और सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे उड़ीसा नर्सिंग एडमिशन एकेडमिक ईयर 2021-22 स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई जीएनएम कोर्स के लिए कैसे करेंगी, जो 26 अक्टूबर 2021 से शुरुआत हो गया है। फुल डिटेल्स के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर चैनल का आप नया विजिट करें तो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। चलो दोस्तों देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। देखो दोस्तों, ये गूगल पेज को जाना है, ये गूगल का होम पेज है। उसके बाद आपको टाइप करना है नर्सिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, देखो नर्सिंग मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ टाइप कर दिया गूगल में। ओके, देखो नर्सिंग मैनेजमेंट सिस्टम आ गया। उसके बाद यहाँ पर मेरे को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो एक ठो विंडो दिखा रहा है। ओके, उसमें लिखा गया है नर्सिंग मैनेजमेंट सिस्टम डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। देखो ये होम है। उसके बाद प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड देखो यहाँ पर करना है। ओके, देखो ऑलरेडी ये प्रोस्पेक्टस है। ओके, ये प्रोस्पेक्टस का है। उसके बाद यूजर मैनुअल, अगर जीएनएम का करना है तो जीएनएम का यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद ऐसे दिखाएगा यूजर मैनुअल फॉर जीएनएम एप्लीकेंट्स। ओके, ऐसे दिखाएगा। ओके, उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है कौन सा कोर्स के लिए, एएनएम, जीएनएम, बेसिक बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा नर्सिंग। तो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं जीएनएम का। तो जीएनएम में क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ लिख रहा है ओके 26 अक्टूबर 2021 से ऑफ ओके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और ऑनलाइन पेमेंट शुरुआत हो गया। ओके, जो 9 नवंबर 2021 इसका लास्ट डेट है। ओके, तो जिस टाइम आप लोग ओके ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो ये 3 नंबर में दिया गया है, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, स्कैंड सिग्नेचर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का 10th पास सर्टिफिकेट, ओके ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट PWD, ओके अगर है तो सर्विस सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन के लिए, ग्रीन कार्ड सर्टिफिकेट ग्रीन कार्ड होल्डर के लिए, वैलिड आधार कार्ड, वैलिड ईमेल आईडी। ओके, उसके बाद कैंडिडेट का वैलिड मोबाइल नंबर रहना चाहिए। ओके, एक ठो OTP जाएगा पासवर्ड के लिए, फाइनल लॉकिंग ओके चॉइस के लिए। ओके, एक बार आप लोग सबमिट कर दिए तो दोबारा उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ओके आपको एडिट ऑप्शन दिया गया है ओके फाइनल सबमिशन करने से पहले। ओके, देखो ओके, तो ऑनलाइन पेमेंट आपको क्या करना है आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, आपको लॉगिन करना है यूजर आईडी एंड पासवर्ड, देन क्लिक ऑन मेक पेमेंट एप्लीकेशन लिंक फॉर द पेमेंट, इट विल डायरेक्ट यू टू SBI कलेक्ट पोर्टल। ओके, आपको उसमें नेट बैंकिंग या उसके बाद देखो यहाँ पर एक तो चेकबॉक्स दिया गया है, ये चेकबॉक्स में क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टार्ट ऑप्शन में ओके देखो स्टार्ट करने के बाद देखो ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जीएनएम नर्सिंग 21-22। ओके, पर्सनल डिटेल्स आपको जहाँ पर स्टार मार्क दिया गया है ये सब मैंडेटरी है। एकेडमिक ईयर 21-22 ओके कोर्स हो गया जीएनएम। उसके बाद नाम यहाँ पर लिख देना है। ओके, एक तो नाम यहाँ पर टाइप करना है, यहाँ पर डालना है आपका नाम। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, प्लस टू है तो प्लस टू, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ओके, जो भी प्लस टू विद एएनएम अगर किए हैं, पोस्ट वोकेशनल एएनएम एलएचबी आशा विद प्लस टू, जो भी है यहाँ पर डाल दीजिए। मैं प्लस टू डाल दिया। उसके बाद आपका पिताजी का नाम ओके फादर्स नेम डालना है। ओके, नेम ऑफ द गार्डियन डालना है, ऑक्यूपेशन ऑफ द फादर फार्मर है या क्या है। ओके, सर्विस होल्डर है, सर्विस होल्डर एम्प्लॉय भी लिख सकते गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके, ऑक्यूपेशन ऑफ द गार्डियन ओके जो भी है डाल दो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपका 10th सर्टिफिकेट में जो लिखा गया है उसको डालना है। ओके, तो उसके बाद रिलेशनशिप विद द गार्डियन ओके मीन रिलेशनशिप विद द कैंडिडेट विद द गार्डियन, आपके डॉटर है कि सन है कि जो भी है ओके कि नेफ्यू है ओके, तो यहाँ पर डालना है। उसके बाद कैटेगरी, ऑन रिजर्व होगा तो नहीं लगेगा,
कास्ट सर्टिफिकेट एसी हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको एसी का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ओके ऑनरी जब मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ, जेंडर मेल है या फीमेल डालना पड़ेगा। उसके बाद ओके देखो यहाँ मेल फीमेल डाल दिया, इंडियन आ गया है। ओके उसके बाद रिलीजियन हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन अदर। ओके तो यहाँ पर आपको हिंदू डालना है, जो भी आपका रिलीजन है, मेरिड अनमेरिड डालना है, मेरिड ओके या अनमेरिड, जो भी अनमेरिड डालना है। ओके तो मेरिड किए हैं तो मेरिड लिखेंगे, अनमेरिड है तो अनमेरिड। उसके बाद मोबाइल नंबर, ओके एक तो आपका वैलिड मोबाइल नंबर, इसको जरूर याद रखिए, आपका मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी डाल देना है। ओके देखो यहाँ पर एड्रेस डिटेल, एड्रेस आर यू ए डोमिसाइल परमानेंट रेसिडेंट और नेटिव ऑफ उड़ीसा, नो करने में ओके अलग हो जाएगा, आप उड़ीसा का बासिंदा है कि नहीं। ओके यस, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो करना पड़ेगा। एड्रेस आपको डालना है आपका, ओके मीन देखो याद रखो हमेशा प्रेजेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट और एक तो परमानेंट एड्रेस बोला है, अगर दोनों सेम है तो सेम एज करना पड़ेगा। ओके मैं लिख दिया यहाँ पर भोजराज नगर, तो आपका ओके भोजराज नगर झारसुगुड़ा, ओके जो है आपका ओके भोजराज नगर डाल दिया। पिन नंबर आपको डालना है ओके आपका वहाँ जो कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है वहाँ का डालना है, मैं यहाँ पर झारसुगुड़ा कर दिया, मैं सेम एज कर दिया। ओके अभी मैं सेम एज करूंगा तो आ जाएगा देखो। ओके नोडल सेंटर सुंदरगढ़ दिया है, नोडल सेंटर चूज करूंगा। ओके ये झारसुगुड़ा दिखाया तो ऐसा दिखाएगा, अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर ओके सपोज बोलांगीर किया गया, बोलांगीर करने से क्या होगा, बोलांगीर सुंदरगढ़ दिखा रहा है, तो यहाँ पर ओके मैं झारसुगुड़ा ही कर रहा हूँ, वही बेटर रहेगा। ओके एनएमटीसी सुंदरगढ़। उसके बाद देखो हैव यू पास्ट मिनिमम एमई स्टैंडर्ड, नो करने के बाद देखो ओके नहीं कर पाएंगे, यू नीड टू पास उड़िया बोला है, इसीलिए यस करना पड़ेगा। उसके बाद टेंथ का देखो बीएससी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा, कौन सा ईयर में पास हुए हैं, फुल मार्क कितना था, 750 था कि 600 था। ओके मार्क सिक्योर्ड विदाउट एक्स्ट्रा ऑप्शनल बोला है, कितना मार्क एक्स्ट्रा ऑप्शनल को छोड़ के लाए हैं, कितना परसेंट, ओके ये आपको डालना है। उसके बाद प्लस टू का सीबीएसई बोर्ड, सीएचएससी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, अदर इक्विवेलेंट बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सीएचएससी। कोई अगर एनआईओएस में पास किया है तो अदर इक्विवेलेंट बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सीएचएससी। ओके कोई अगर है तो वहां पर आप कर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर हम करना है सीएचएससी। ओके सीएचएससी करने में फुल मार्क डालना है, कितना 600 में कोई एग्जाम दे 600 करना है, विदाउट एक्स्ट्रा ऑप्शनल में कितना लाया है ओके वो डालना है, कितना मार्क टोटल क्वालिफाई किया है, फुल मार्क इंग्लिश में कितना था 100 रहेगा। ओके कितना सब कुछ, किसी ने 78 लाया है 78 डालना है। उसके बाद ओके इसी हिसाब से आप लोगों को करना है। उसके बाद साइंस था या आर्ट था, साइंस विद बायोलॉजी, उसके बाद साइंस विदाउट बायोलॉजी, आर्ट्स और अदर, कोई अगर आर्ट्स पढ़ाई किया है तो आर्ट्स लिखिए, साइंस किया है तो साइंस विद बायोलॉजी, तो इसी हिसाब से आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो फोटो अपलोड करना है, फोटो अपलोड करना है, फोटो का कितना होना चाहिए, एमबी के बी होना चाहिए, 50 KB 200 KB होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट। उसके बाद सिग्नेचर आपका ओके 20 KB to 30 KB करना है। उसके बाद कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन एक तो डाटा देखो इसमें डाला गया है। ओके फुल नेम ऑफ द कैंडिडेट डाला गया है देखो, ओके फुल नेम ऑफ द स्टूडेंट, ओके पोस्ट अप्लाइड फॉर जीएनएम, फुल नेम ऑफ द स्टूडेंट मिस स्मृति सागरिका ओके रैंसिंग, फुल नेम ऑफ द फादर, ऑक्यूपेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस, डेट ऑफ बर्थ देखो, कैटेगरी अनरिजर्व, नेशनलिटी इंडियन, मैरिटल स्टेटस अनमेरिड, कॉन्टैक्ट नंबर देखो ये आधार नंबर है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्लस टू विद एनएम, उसके बाद नेम ऑफ गार्डियन कविचंद्र रामसिंह, ऑक्यूपेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस, रिलेशनशिप विद द फादर, ओके सब कैटेगरी ग्रीन कार्ड, रिलीजन हो गया हिंदू
जेंडर हो गया फीमेल, ईमेल आईडी देखो sagarika@gmail.com। ओके तो आपका जो ईमेल आईडी जब डालेंगे तो आपका ही आए। उसके बाद एड्रेस डिटेल में बोला था देखो, ओके प्रीफर नोडल सेंटर हो गया गवर्नमेंट एनएनटीसी भुवनेश्वर किया था, वहां पर हम सुंदरगढ़ किए थे, तो आपका जो भी है वहां पर आप प्रीफर करना है। उसके बाद एड्रेस डाला गया है देखो, ओके सेम एच कर दिया गया। उसके बाद देखो एकेडमिक डिटेल्स में हम डाले थे, ओके ये वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगा। ओके उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पेज में करना था, ओके फोटो एंड साइन डिटेल्स, यहाँ पर फोटो, ओके ये है साइन। उसके बाद पासवर्ड देना है, ओके पासवर्ड सब कुछ यहाँ पर एक तो क्या होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ओके एटलीस्ट 8 कैरेक्टर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखो एक तो सिक्योरिटी कोड है, ये सिक्योरिटी कोड को एंट्री करने के बाद आपको कन्फर्म करना है। ओके कन्फर्म करने के बाद आपको आएगा एक यस नो बटन आएगा, मीन यहाँ पर पूछ रहा है आर यू टू सबमिट द रजिस्ट्रेशन डिटेल। ओके और आपको एक बार जरूर, ओके कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले जरूर आप लोग ओके फॉर्म को देख देना है, क्या कहाँ पर कुछ मिस्टेक वगैरह हुआ है क्या। ओके अगर सही है तो यहाँ पर आप लोगों को यस करना है। यस करने के बाद ओके आप लोगों का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल अभी दिखाएगा, ओके रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल दिखाएगा। देखो यहाँ पर ओके कॉन्ग्रेचुलेशन योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, ये एप्लीकेशन फॉर्म को आपको लिख के रखना है। ओके और वो यूजर आईडी जो पासवर्ड था उसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर आप जाके लॉग इन करेंगे, ओके लॉग इन करने के बाद देखो एक तो विंडो आपको शो करेगा। ओके लॉग इन का देखो यहाँ पर एप्लीकेंट लॉग इन है, यहाँ पर जाके आपको लॉग इन करना पड़ेगा। ओके आपका यूजर आईडी, ओके मीन जो यूजर आईडी का मतलब एप्लीकेशन नंबर और वो पासवर्ड को देखिए आपको यहाँ पर अप्लाई कर। ओके वहां पर एप्लीकेंट में क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है जीएनएम। ओके उसके बाद आपको ओके एप्लीकेशन नंबर को इसमें देना है, एप्लीकेशन नंबर में जो आप सक्सेसफुल लिखा था। ओके उसके बाद पासवर्ड देना है, उसके बाद एक कैप्चा को देना है, उसके बाद लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आप लोगों को एक तो अनदर विंडो देखो नर्सिंग मैनेजमेंट सिस्टम डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, यहाँ पर आपका नाम लिखेगा वेलकम स्मृति सागरिका रेंसिंग, ये नाम से किया गया है इसलिए शुरू किया। उसके बाद आपको पेमेंट करना है, मेक पेमेंट एप्लीकेशन फी। ओके एएनएम के लिए 300 रुपया, जीएनएम के लिए 500 रुपया, एमएससी के लिए भी 500 रुपया, बीएससी के लिए भी 500 रुपया। ओके जाके रिमेनिंग कोर्स जो रह गया उनके लिए 500, तो यहाँ पर जाके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ओके पेमेंट करने के बाद सेपरेट विंडो शो करेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ओके मोड में भी कर सकते हैं। मेक पेमेंट करने के बाद, मेक एप्लीकेशन फी पेमेंट करने के बाद आपको एंटर एप्लीकेशन फी पेमेंट डिटेल्स, आपको भी उसको एंटर करना है, उसमें जो रेफरेंस नंबर है उसको एंट्री करना है। देखो SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर यहाँ पर एंट्री करना है, उसके बाद बैंक रेफरेंस नंबर, ओके जो स्टार मार्क दिया गया है वही एक्चुअली ओके मंडाटोरी है। मोबाइल नंबर डाल देना है, पेमेंट डेट डालना है, उसके बाद सबमिट करना है। ओके उसके बाद डॉक्यूमेंट्स मंडाटोरी है जिसको उसके बाद आप लोगों को ये मेक पेमेंट में एप्लीकेशन फी कर दिए, एंटर एप्लीकेशन फी पेमेंट डिटेल्स कर दिए, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है। ओके अपलोड डॉक्यूमेंट्स में देखो 10th मार्कशीट, ओके यहाँ पर ओके अपलोड करना है। ओके 10th सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ HSC ये करना है, ओरिजिनल पास सर्टिफिकेट ऑफ +2, ओके ओरिजिनल ओके मार्कशीट ऑफ +2, ओरिजिनल परमानेंट एड्रेस, ओके सब यहाँ पर आप लोगों को अपलोड करना है। उसके बाद जो एप्लीकेशन का फी का जो पेमेंट किए हैं ऑनलाइन ले, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन पेमेंट रिसीव यहाँ पर अपलोड करना है। ओके अपलोड करने के बाद यहाँ पर अपलोडेड व्यू दिखाएगा, उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ओके यहाँ पर ओके चूज फाइल अपलोड करेंगे तो यहाँ पर अपलोड को क्लिक करना है, तो उसके बाद व्यू दिखाएगा। बैंक रिसीप्ट ओके है तो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ओके यहाँ पर करना है।
उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। ओके सेवन प्रिंट करना है। ये सब चीज करने के बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन करना है। प्रिंट एप्लीकेशन करने के बाद आपको प्रिंट आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। लास्ट पेज में आपको ऐसा दिखाएगा, उसी हिसाब से आपको करना है। ओके प्रिंट आउट निकालना है। थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना मत भूलिए।